चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों और संयुक्त मोर्चे के समस्त लीडरशिप, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, प्रेस के लोग, सारे पुलिस प्रशासन के लोग और जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, शहर के लोग जिन्होंने इस आंदोलन में बहुत सहयोग करा, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के व्यापारी, समस्त क्षेत्र की जनता जिन्होंने लंगर भंडारे लगाए हैं, जिन्होंने पानी की सेवा करी है, उन सबका यहाँ पर धन्यवाद है। जो बाहर से प्रेस के मीडिया के लोग आए उनका भी यहाँ पर धन्यवाद है। देखो मुद्दा क्या है कि पिछले 9 महीने से जो आंदोलन देश की राजधानी में कई लाख आदमी दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं, भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, हमारे वे शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम एक मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन है जो देश के संस्थाओं को बेच रहे, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का, देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग, जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, तीन कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी, किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर एक। धोखा नंबर दो। धोखा नंबर दो, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को, ये धोखा नंबर दो। कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा, जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का खोखा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में नहीं होगी, ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक्री है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी हैं, ये बिखरे हैं सब। FCI की जमीन, जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी FCI के जो गोदाम है अडानी के कब्जे में है, आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। देश के बंदरगाह, पूरा जो समुद्र
के तट से 100 किलोमीटर तक एक का कंपनी को बेच दिए, वे बंदरगाह भी बिके, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां पे जो मछली पालन किसान हमारा था, जो नमक का किसान हमारा था, सब खत्म हो गए, बड़े बड़े बंदरगाह वहां पे बिक चुके हैं। ये जल को बेच रहे हैं, जल का पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों को नदियां बेची जा रही है। जो नदियां, जो जल हमारी जीवन रेखा होती थी, उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है। ये इंडिया ऑनलाइन सेल, मतलब कोई भी कीमत किसी भी चीज की लगा सकता है, भारत बिकाऊ है, ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अब खतरे में कौन कौन है? ONGC, BPCL, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट, जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था, वो भीड़ में बता जा रहा है, हम उनको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। और ये खेती किसानी, जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ, उसके 3 कानून, 9 महीने से किसान आंदोलन है, वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात ये है कि आपका 10 साल पुराना वे आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जिस जमीन पर आए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहां पे सरकारें पहले भी आई जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपए रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है? 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। हमारा 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्री पे सरकारों पे बकाया है। अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहाँ के लोग उठाते रहेंगे। हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए, हम 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहां पे छोड़कर आए, पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है, हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए तो सिर्फ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए, इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पे पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहां पाएंगे। अत्याचार बहुत है, यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25,000 और 30,000 रुपए है, ड्यूटी में 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है, उससे आधी सैलरी उनकी होगी, वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है, उनके क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो, वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन खत्म करोगे? MP MLA की पेंशन लोगे दो दो तीन तीन, कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे? आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे,
हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 71,00,000 रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को फिर बड़े बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं, वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हो, 5,000 और 6,000 रुपए में वे सफाई कर्मचारी बार्मिक समाज के लोग नौकरी करेंगे यहाँ पे। अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे, अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनी आ जाएगी, जिस तरह से रेलवे गई 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी अमेज़न जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेगी, इस देश में मॉल खुलेंगे, वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे? ये उनकी भी लड़ाई है, ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिक्री है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं, ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से, ये लड़ाई शुरू हुई MSP पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री को दिया, रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहाँ पे, वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, बड़े व्यापारी का धान फसलें MSP पे बिकती है, किसान की 10 से 15% बिकती है। यह आपको समझना होगा, पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं ये नारा लगाना पड़ेगा, फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत के आए, ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है, और हम वो 28 तारीख की याद आप सबको याद होगी, वो 28 तारीख की याद भी याद कर लेना, वहां पे ना मुसलमान बचना था और ना सरदार भाई बचना था और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता, उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। 148 लोग वहां पे थे और 8,000 की पुलिस और गुंडे के तत्व पे वहां पे कब्जा करने की नियत थी, लेकिन वे 72 लोग वहां पे थे, जो 20 मिनट के बाद ही जो वहां से घोषणा हुई, वे 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। जब देश की जनता साथ में खड़ी हुई, जब हमने जल मांगा तो गणेला खाप हरियाणा, पूरा हरियाणा खाप सड़कों के ऊपर था, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों के ऊपर था। इस तरह का तोड़ने का काम करेंगे हम, जोड़ने का काम करेंगे ये सरकार है। आपसे फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहां पे अगर हमारी कब्रगाह वहां पे बढ़ेगी हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारे को शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर आएंगे, या तो जीत आएंगे बगैर जीतते नहीं आएंगे वापसी। ये तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाह हू अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाह हू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा, ये तोड़ने का काम करेंगे हम, जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना, ये देश हमारा है,
ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं किसान तो वहां जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए, धोखे से लेके आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दे? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखाते हैं, निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों का आपको ध्यान रखना है। यह आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप ध्यान करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का इंद्रत भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको। हमको फसलों पे MSP की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पे बेचेंगे, ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है, हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी, ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वॉलंटियरों का धन्यवाद। अभी हमारे कुछ लीडर रह रहे हैं, आप उनकी बात सुनोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बटो बटो आपके दम पे ही लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। आपका दम पे ही लड़ाई जीती जाएगी। ट्रैक्टरों को तैयार रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उनकी। साथियों, मैं डॉक्टर सुखनाम सिंह नाला।